दोस्तों शान मसूद ने लगाया 160 मीटर लंबा छक्का, श्रीलंका के खिलाफ खेली 83 रनों की शानदार पारी। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप पाकिस्तान टीम के सच्चे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूले। पाकिस्तान और श्रीलंका टीम के बीच खेले गए 2 दिवसीय वार्म अप मैच में पाकिस्तान टीम के शान मसूद ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए पूरे क्रिकेट जगत में एक नई पहचान बना ली। दरअसल श्रीलंका के गोल क्रिकेट स्टेडियम पर खेले गए इस 2 दिवसीय मैच का टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन पर पूरी श्रीलंकाई टीम ढेर हो गई। दोस्तों पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी करते हुए शाहीन अफरीदी और हसन अली ने 3-3 विकेट झटके। वह इनके अलावा आमिर जमाल और अबरार अहमद ने 2-2 विकेट मिले। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 के खिलाफ खेलते हुए पहली पारी में पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने करी। दोस्तों इन दोनों पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर संभल कर खेलते हुए लंच तक पाकिस्तान टीम का स्कोर बिना कोई विकेट गवाए 54 रन बना दिया था। लंच के बाद बल्लेबाजी करने आए बाबर और रिजवान ने 54 रनों से आगे खेलना शुरू किया। दोस्तों पारी का 18वां ओवर लेकर आए महेश दीक्षणा ने मोहम्मद रिजवान को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शान मसूद, जिन्होंने कप्तान बाबर आजम के साथ संभल कर खेलते हुए अपनी तरफ से हवाई फायर शुरू कर दी। दोस्तों देखते ही देखते शान मसूद ने बाबर आजम के साथ मिलकर शत की साझेदारी कर डाली। इस दौरान शान मसूद के बल्ले से शानदार 83 रन निकले। तो वहीं कप्तान बाबर आजम ने भी 79 रनों की पारी खेली। वहीं बात करें शान मसूद की तो उन्होंने 83 रनों की पारी में 3 छक्के और 12 चौके जड़े, जिसमें से एक छक्का 160 मीटर लंबा था। हालांकि बाबर और शान मसूद के इस शानदार पारी के बावजूद भी 2 दिवसीय टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। वहीं पाकिस्तान टीम का पहला टेस्ट 16 जुलाई से 20 जुलाई और दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई से 28 जुलाई तक श्रीलंका के साथ खेला जाना है। तो दोस्तों शान मसूद के इस बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक नंबर देंगे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और क्रिकेट के ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।